अबे आपके हाफ फेली का पेपर 2014 और 15 का पहला क्वेश्चन 24 और दे रखा 54, एक दे 24 और एक दे 54, इनका हमें फाइंड करना है एचसीएल। तो क्या करेंगे देखो, तो पहले टुकड़े करेंगे ऐसे, यह था 2 से 12 है और 2 से तो 6 टाइम और 2 से तो 3 टाइम, 3 से क्या तो 1 टाइम, तो 2 आया है आपके 3 टाइम और 3 आया है आपके 1 टाइम। फिर करेंगे 64 का, ये होता है 2 की 2 6 टाइम आए, ऐसे ही करना इसको भी आपको, 2 से डिवाइड होता रहेगा 32 16 8 4 2 ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमें फाइंड करना है एचसीएल। एचसीएल का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन, दो इसमें भी और दो इसमें भी आ गया। अब जो घात दे रखी है, जो डिग्री दे रखी है, वो लेंगे हम कम वन, कम मतलब ये 3, 6 ज्यादा हो गए तो ये लेंगे 3। अब क्यों लेंगे, क्योंकि 2 की डिग्री 3 इसमें भी है और 2 की डिग्री 3 इसमें भी है, ज्यादा है लेकिन है, 2 की डिग्री 6 है इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं, कॉमन रख लेना है तो इसमें है वो इसमें लेना है। जैसे आप ये भी कर सकते हो, आप 64 है 2 से 32, फिर हो गया आपके 2 से और क्या तो 16 और 2 से क्या तो 8 और 2 से क्या तो 4 और 2 से क्या तो 2 ये 1, ये और ये आ गया आपके कॉमन, ये भी आ गया कॉमन और ये भी आ गया आपके कॉमन। जो कॉमन आया है दो कितनी बार आया आपके 3 बार, दोनों में कॉमन है तो ये आ गया आपके 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया आंसर। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सब ले लेंगे हम, एक तो लेंगे हम 2 की पावर 6 और साथ में क्या लेंगे हम 3 लेंगे, मतलब 2 की पावर 6 मतलब सब संख्या लेंगे, 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे 4 जो भी दे रखा है सबके सब लेंगे, साथ में घात लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 6, इसमें कितना है आपके 1, और किसी भी संख्या को दोबारा नहीं लिखना है, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल एक संख्या का एक बार ही प्रयोग करेंगे। ये होता है आपके 32 × 3 = 96, और इसका मतलब हम जो एचसीएल किसे कहते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसी संख्या है जिसकी टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, 8 की टेबल में 24 भी आता है और 64 भी आता है, और ये ऐसी संख्या है तो इनकी टेबल में ये आती है, 24 की टेबल में 96 आता है 4 टाइम, 64 की टेबल में आता है, यहाँ सरल हो गया, यहाँ हो गया आपके 64 × 3 हो गया है आपके 2 और ये हो गया है आपके 90, ये हो गया 192। अब इसकी टेबल बोलेंगे तो ये आएगा 3 बार में, इसकी टेबल बोलेंगे तो ये आएगा आपके 8 बार में, तो ये 8 बार हो तो ये आएगा, इनकी टेबल में ये आता है और इसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, उसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, क्या कर रहे हो, ये दोनों सेम मिल जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का तो ये हो गया आपके कैंसिल, ये दोनों भी सेम है, दोनों क्या है प्लस के है, एक और एक कितने हो गए आपके 2x, और ये दोनों से ये दोनों तो प्लस के है सेम साइन है तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, 6 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया आपके 3 बार। अब x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में, इंग्लिश में बोलते हैं आपको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख सकते हो आप, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, याद रखो तो x का वैल्यू आ चुका है कितना आ चुका है 3, फिर आगे दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है y, फिर दे रखा है इक्वल टू, फिर दे रखा है 5, प्लस का आएगा x में जाएगा माइनस में, y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल क्या हो गया आपके 2, आंसर आ गया है 3 और 2, दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, दोनों घटाने पर 1 आना चाहिए, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये जांच भी करके साफ साफ देख सकते हो। तीसरा दे रखा है आपके माइनस का 2 7 क्या दे रखा है माइनस का 3 2 7 और 12, हमें फाइंड करना है 25वां पद ज्ञात करना है,
25th टर्म याद करना है, ये कितना है याद करना। क्या करें ध्यान दो, हमारे पास ए कितना दे रखा है माइनस का 3, ये मतलब फर्स्ट टर्म स्टार्ट ये वाला सबसे पहला पद 3 माइनस का 3। और डी कितना दे रखा है, डी निकालेंगे हम दो पदों का लगातार, दो पदों का अंतर कोई भी दो पद ले लो। अब आपको इसमें अगर मान लो कॉलम आ रही है तो ये दोनों ले लो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ए 3 माइनस ए 2 मतलब 7 माइनस 2 कितने हो गए आपके 5, या ये दोनों ले लो या ये दोनों कोई भी ले लो, आप सब में अंतर आपके बराबर ही है। और हमें ज्ञात करना है 25वां पद, सूत्र क्या ज्ञात करने का, ए प्लस 24 बी। पहला पद हमेशा अलग होता है, इसे ए लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए कम, आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, एन माइनस 1 कोष्टक बी, और एन है कितना आपके 25 है, जैसे यहाँ अगर एन लिखोगे वाई लिखोगे, यहाँ अगर एन कितना है आपके 25, यहाँ भी एन कितना है आपके 25, और 25 में से ए गया तो क्या बच गया आपके 24 बी। जितना है यहाँ पर एक कम लिखना है, ए कितना है आपके माइनस का 3, 24 इंटू डी का मान कितना है 5, माइनस का 3 24 इंटू 5 120 प्लस के और 3 माइनस के, तो पीछे बच गए आपके 117 हो गया। फिर है आपके फोर्थ, ये दे रखा है आपके बिंदु ए तो दे रखा है 6 5, और बिंदु बी दे रखा है आपके 4 और वाई, और का प्रयोग हुआ है इसमें ए और बी का है, तो जब भी और का प्रयोग हो और एक्स वाई वाले से क्वेश्चन हो, पहले के चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन हो और का प्रयोग करें तो एक इधर लिखना और एक को उधर भेजना है। इसने कहा है जोड़ने वाले का मध्य बिंदु, इन दोनों का मिड पॉइंट मध्य बिंदु ये दे रखा है आपके एक्स और 6 दे रखा है, तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या करना है इसका वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ये तो होता है आपके x1 y1, ये होता है x और y, और ये होता है आपके x2 और y2, और ये इसका मध्य बिंदु दे रखा है, हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो y का वैल्यू ज्ञात करना है तो y के वैल्यू लेंगे 1 2 और 3, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें। फॉर्मूला क्या है आपके y2 प्लस y1 बटा 2, x का ज्ञात करना हो तो x2 प्लस x1 बटा 2, लेकिन हमें y का ज्ञात करना है। देखो y के दे रखा है आपके 6, y2 दे रखा है y1 दे रखा है 5 और ये है 2, तो आगे होते हैं x1 y1 मानते हैं, तो पीछे होते हैं x2 y2 होते हैं, तो बीच में होते हैं हमेशा x और y होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, उसको इससे तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 टू जा 12, प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके माइनस में, y का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। आप जांच भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6, अंतर एक का है, यहाँ भी अंतर एक ही होगा 5 6, और यहाँ क्या आएगा आपके 7, ऐसे कर सकते हो 5 6 7।